तो हम शुरू करते हैं बेटा किंगडम एनिमेलिया। पहले तो किंगडम एनिमेलिया में हम करते हैं वेरियस फाइलम्स ऑफ किंगडम। वेरियस फाइलम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, कौन कौन से फाइलम्स हैं? पहले तो ये नाम याद होने चाहिए। ओरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथस, नीमेथ हेलमेंथस या अनदर नेम इज एस्केलमेंथस। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कॉर्डेटा। देयर आर 11 फाइलम्स। पोरिफरा को हम क्या बोल देते हैं? कॉमनली इनको बोलते हैं स्पॉन्जेस। सीलेंट्रेटा को कॉमनली बोल देते हैं नाइडेलियंस। टीनोफोरा को कॉम्ब जेलीज, प्लेटी हेलमेंथस को फ्लैट बोन्स, एस्केलमेंथस राउंड बोन्स, एनिलिडा सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स, आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिजम्स विथ जॉइंटेड फीट, मोलस्का शेल्ड ऑर्गेनिजम्स, अकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स। हेमिकॉर्डेटा को हेमिकॉर्डेट्स ही बोलते हैं, कॉर्डेटा ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स। विद नो प्रोपोर कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड है, राइट? यहां से लेकर एनी कॉर्डेटा तक इन सबको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नो नोटोकॉर्ड, नो बैकबोन प्रेजेंट फ्रॉम फाइलम पॉरिफरा अप टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा। दीज आर नॉन कॉर्ड। ठीक है, जल्दी से पहले ये लिखो।
और फिर इनको एक बार याद भी करो, दो तीन बार बोल के याद करो, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जनरल फीचर्स। ऑफ एनिमल्स, फर्स्ट आ जाता है बेटा हैबिटेट। जहां पर वो रहते हैं, दे कैन बी एक्वेटिक, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक कैन बी मैरीन और फ्रेश वॉटर। रिवर्स लेक्स में रहते हैं, मैरीन मीन्स ओशंस एंड सीज में रहते हैं। देन टेरेस्ट्रियल दे कैन बी यू नो लिव ऑन लैंड, दे कैन बी आर्बोरियल लिव ऑन ट्रीज, दिस कैन बी सेंसोरियल क्रॉल ऑन वॉल्स एंड रूफ, दे कैन बी सोरियल लिव इन बरोस। और दे कैन बी पैरासिटिक लिव ऑन और inside other living organisms. ORG means organisms. So this is habitat. Then second is nutrition. Animals mein nutrition hamesha kya hai? All are non-green heterotrophs, अपना खाना खुद नहीं बनाते। Nutrients कौन सी है? Ingestive, ध्यान से सुनना है पहले बेटा, ingestive और holozoic nutrition। इंजेस्टिव और होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? दैट इज दे इंजेस्ट फूड। सो इंजेस्टिव और होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम किंगडम एनिमेलिया हमने संदीप शुरू किया है बिकॉज इट इज कमिंग इन जोरावर्स एग्जाम, राइट? इसलिए हम पहले जो थोड़ा सा हमारा एंडोक्राइन रह गया वो हम किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे। तो न्यूट्रिशन, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन का क्या मतलब है बेटा? इंजेस्टिव न्यूट्रिशन मीन्स जो हमारे में न्यूट्रिशन है, ध्यान से सुनना है, टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड की, सॉलिड फूड नहीं, क्योंकि अगर हम जूस पी रहे हैं वो भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स है, राइट? इसलिए कॉम्प्लेक्स फूड लेना और फिर उसको अंदर बॉडी में डाइजेस्ट करना, दैट इज इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, राइट? देन अनदर इज यू नो
parasitic nutrition. Parasitic nutrition mein there can be ectoparasites or there are endoparasites. And there are also present temporary parasites, temporary ectoparasites. Ectoparasites means living on the surface of other living organisms. For example, अगर हम बात करेंगे कैटल लीच की, another is head louse. जुए जो है कैटल लीच है, दोनों जो है सरफेस पे रहती है. हेड लाउस हमारे सिर में रहती है, कैटल लीच कैटल के साथ चिपक जाती है. एंड बोथ फीड ऑन ब्लड, बोथ सक ब्लड, राइट. सो दैट इज व्हाई दे आर सैंग्विवोरस, हम इनको कह देते हैं. सैंग्विवोरस मतलब दे सक ब्लड. एंडोपैरासाइट्स विच लिव, यहां पर लिख रही हूं, which live inside host tissues, they are called as endoparasites. Example hai tapeworm, roundworm, lives in our body, हमारी body में रहती, lives in our digestive system, कर लो तो बहुत अच्छा. Temporary ectoparasites, जो temporary associated है, for example mosquitoes, वो हमारी बॉडी से स्टिक नहीं रहते हैं, आए खून चूसा चले गए, ठीक है. मॉस्किटोस, बेड बग्स, बेड बग्स अगर हिमाचल में जाओ अब तो शायद कम मिलते होंगे, पता नहीं मुझे, बट बेड बग्स जो आप इंटीरियर्स में जहाँ बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, सो दे आर खटमल, हिंदी में उनको बोल देते हैं खटमल. सो दे आर खटमल हो गए, मॉस्किटोस हो गए, दे आर टेम्परेरी एक्टोपैरासाइट्स. They are associated temporarily, take food and then goes, right? So this is the nutrition. Likh lo zara. Next hum aa jaate hain beta levels of organization. Third point hai levels of organization. There are three levels of organization: cellular level, tissue level, organ and organ system level of organization. Cellular level, इसका मतलब है बेटा कि animals क्या है, multicellular, multicellular animals, ध्यान से सुनना है, which are formed by
एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, सेल्स इकट्ठे हुए, सेल्स इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। सम डिवीजन ऑफ लेबर, अकर बिटवीन सेल्स, जैसे सम सेल्स दे ब्रिंग द न्यूट्रिशन, सम सेल्स जो है जो दे डाइजेस्ट द न्यूट्रिशन, सम सेल्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सम सेल्स दे हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, इस तरह से जो है वो क्या काम कर रहे हैं, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग सेल्स, बट नो टिश्यूज आर फॉर्म्ड एज सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, कोई एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली कंपैक्टली अरेंज नहीं है कि एक टाइप के सेल्स यहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने टिश्यू बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेल्स लूजली अरेंज है, कोई कंपैक्ट अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सेलुलर लेवल है। एग्जाम्पल आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पॉन्जेस, पोरीफरा, एग्जाम्पल इज पॉलीफरा। इसके बाद क्लासिफिकेशन जब करवाऊंगी तो आपने ही करनी है जरा, पर इसलिए ध्यान से सुनते चलो। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स गेट compactly arranged and perform coordinated या same function, such group of cells are called as tissues. ठीक है जी, so they have tissue level of organization. Again, example इसमें क्या आ जाता है, Coelenterata. First है Coelenterata, Ctenophora. दो फाइलम्स आ जाते हैं, Coelenterata एंड Ctenophora। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। इसमें क्या है, द टिश्यूज फर्दर आर कोऑर्डिनेटेड with each other to form organs. ठीक है जी, and to form organs and organ systems. Organ systems होते हैं digestive system, respiratory system, ठीक है, ये सब क्या है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम्स। तो जितने भी हायर Ctenophora से आगे जो ऑर्गेनिजम्स है वो सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है ध्यान से, कि जो फाइलम Platyhelminthes है organs level of ऑर्गन्स लेवल ऑफ
have organs level of organization. Whereas phylum Ascalmanthus up to phylum Ordata. इसमें ऑर्गन्स भी आ गए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना रहे हैं. है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो दिस इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ पे आपने अनदर पॉइंट जो है, ऑर्गन सिस्टम्स जो है दे एग्जिबिट दे परफॉर्म स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. ईच ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन यू नो रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन सर्कुलेशन एक्सेट्रा. ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट यू नो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बेटा, ये करो पहले. तो बेटा इसी के ही नीचे जो है लास्ट में जो है इधर इसी के नीचे आपने पॉइंट लिखना है. मैं ये रब कर रही हूं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं सम organ systems in different organisms have different complexities. कुछ organ systems में अलग अलग complexity है. For example, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये मैंने जब हमने डाइजेशन की थी तब भी बताया था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो टाइप का है, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर यहां पे देखो, ये है, यहां से फूड अंदर जा रहा है और यहीं से पीसेस बाहर आ रही है. दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. और दूसरी तरफ दिस इज माउथ, इसके थ्रू खाना अंदर जा रहा है और यहां से ये पीसेस है जो बाहर आ रही है. एंड दिस इज एनस. व्हेन देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग्स फॉर इनटेक एंड एक्सक्रीशन या इजेशन, व्हेन देयर इज सेपरेट माउथ सेपरेट एनस, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है, दोबारा से मैं बता रही हूं, सेपरेट माउथ एंड एनस. कंप्लीट मींस सेपरेट माउथ एंड एनस फॉर
इंजेशन मतलब अंदर लेना एंड इजेशन मतलब पीसेस को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. एग्जांपल है एस्केलमेंथस अप टू सारे आ जाएंगे अप टू फाइलम पॉडेटा. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन देयर इज सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन. दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी एग्जाम्पल आ जाती है फाइलम प्लैटिहेलमिंथस. दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी. उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम. ये भी हमने सर्कुलेशन में किया है बट फिर भी हम बताते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इट कैन बी ओपन और इट कैन बी क्लोज्ड. सर्कुलेटरी सिस्टम आ सकता है बेटा ठीक है. तो यहाँ पे जो ब्लड है ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट. हार्ट ने पंप तो किया ही ब्लड ठीक है. एंड द ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस. Between cells and tissues, called as these open spaces जो है are called as sinuses. उनको हम बोलते हैं साइनसेस बोलते हैं राइट ठीक है. यहां पे हम क्या कहेंगे सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बेद इन ब्लड. सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बेद इन ब्लड but it is less efficient as it is non-directional. आप जो है बेटा अपने गार्डन में पाइप छोड़ दो ठीक है. नलके ने तो पंप कर दिया पाइप से आ भी गया बट गार्डन में ऐसे ही छोड़ दिया. कोई नालियां नहीं बनाई अपने खेतों में ऐसे ही छोड़ दिया. कभी पानी इधर को चला जाएगा कभी इधर को चला जाएगा कभी कहीं को चला जाएगा. जहां पे ज्यादा चाहिए पानी वहां पर शायद पहुंचे भी ना. बट अगर आप नालियां बना दो स्पेसिफिक ठीक है तो वो क्या है पानी उन्हीं नालियों में से उन्हीं केनाल्स में से जाएगा स्पेसिफिक जगह दैट इज क्लोज. बट ये है ओपन नॉन डायरेक्शनल ठीक है जी. सो दिस इज ओपन और एग्जाम्पल आ जाती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्थ्रोपोडा फाइलम. आर्थ्रोपोडा फाइलम मोलस्का एंड फाइलम एकिनोडर्मा दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. यहां पे क्या है जो ब्लड है ब्लड इज
pumped by heart. हार्ट ने तो पंप किया, उसके बाद द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. Through blood vessels. ठीक है, यहां पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, ओपन में कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स बीबी एब्सेंट. यहां पे ब्लड किसके थ्रू फ्लो कर रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है. ठीक है जी. देन It is directional. And thus efficient. Highly efficient. ठीक है जी. और closed circulatory system. Example है annelida. एंड कॉर्डेटा. यहां पे बेटा फाइलम हेमी कॉर्डेटा भी है. राइट, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में है एनिलिडा एंड कॉर्डेटा. ठीक है जी, लिखो जाए. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सिमेट्री. ठीक है जी, सिमेट्री किस किस टाइप की हो सकती है? ऑर्गेनिजम्स, they can be asymmetrical or they can be symmetrical. क्या मतलब है इसका? यहां पे देखिए कि अगर इस तरह से ऑर्गेनिज्म हो तो इट कैन बी, अगर हम ये दो हाफ काट दें तो ये अलग है, ये अलग टाइप का है, कोई सेम नहीं है. ठीक है, तो अगर इधर से काटे तब भी दो हाफ अलग अलग है, तो कहीं से भी काटे तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलते, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल, कि ये सिमेट्री है ही नहीं है इसमें. ठीक है, दूसरी तरफ अगर ऑर्गेनिज्म इस तरह का है स्फेरिकल, तो इधर से काट दो दो इक्वल हाफ, इधर से काटो दो इक्वल हाफ, इधर से काटो ये वाला, लाइकवाइज हियर दिस एंड दिस, कहीं से काट लो तो दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. दूसरी तरफ अगर लेट अस सी, मैं वैसे ही दिखा रही हूं आपको, इसको हम यहां से काटें तभी हमें दो इक्वल हाफ मिले. अगर हम यहां से काटें तो हमें दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे. सिर्फ एक प्लेन से काटने पे हमें दो इक्वल हाफ मिलते. दिस इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री. राइट, सो व्हाट आर एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल में आ जाता है बेटा व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कट इनटू
two equal halves by any plane. It is called as asymmetrical. ठीक है, तो then example आ जाता है बेटा इसमें phylum Porifera, that is sponges. ठीक है, तो इसको हम एक और definition लिख सकते हैं कि एनी प्लेन, ये आपकी बुक वाली डेफिनेशन है, एनी प्लेन दैट पासस थ्रू सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Cannot divide it into two equal halves it is called as asymmetrical. ठीक है, अगर symmetrical, दो टाइप की symmetry है, रेडियल सिमेट्री दूसरी है बायलेटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री में है एनी प्लेन passing through center divides the animal into two equal halves. Such animals have radial symmetry. Such animals have radial symmetry. Example है पॉरीफरा के बाद. हाँ जी बेटा जोरावर बता जरा, पॉरीफरा के बाद क्या आता बच्चे, जल्दी से जोरावर बोल के. पॉरीफरा फिर सेकेंड सीलेंट्रेटा, फिर सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद तीनो फोरा. बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही याद रहेगा, सिलेंट्रेटा तीनो फोरा, और एक थोड़ा सा लास्ट वाला आ जाता है एंड अकाइनोडर्मा. दे हैव रेडियल सिमेट्री. ठीक है जी, bilateral symmetry animals which can be cut into two equal halves through one plane only. एक ही प्लेन होगा, उसी में से ही अगर काटेंगे तो दो इक्वल हाफ, जैसे अगर हम कहें तो अगर हमें यहां से काटा जाए तभी दो इक्वल हाफ होंगे, बाकी किसी प्लेन में नहीं. तो दिस इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री. एंड एग्जांपल आ जाता है बेटा प्लैटीहेलमिंथस
Escalmenthus. Annelida. Arthropoda. Mollusca. Hemichordata. And chordata. They have bilateral symmetry. मैं थोड़ा सा आपको asymmetrical का diagram जो है इस तरह radial symmetry is like this. Bilateral symmetry जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से मैं दिस इज bilateral symmetry. ठीक है बेटा लिखो इसको. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. पहले तो हमने ये समझना है कि जर्म लेयर्स होती क्या. तो जब बेटा एम्ब्रियो जाइगोट बना, जाइगोट ने बहुत ज्यादा माइटोसिस की तो बहुत सारा सेल्स बन गए जिनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स. फिर जो वो ब्लास्टोमियर्स है फिर वो दो या तीन लेयर्स में अरेंज होते हैं. अगर टू लेयर्स है तो वो है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. अगर थ्री लेयर्स है एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म. थ्री लेयर्स में पहले अरेंज होते हैं फिर हर लेयर के सेल्स जो है दे गेट ऑर्गेनाइज इनटू स्पेशली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ठीक है. सो व्हाट आर जर्म लेयर्स. These are the arrangement of blastomeres in layers in early embryo. Organisms जो है can be diploblastic. Diploblastic means formed from two germ layers. सेल्स जो है वो दो ही जर्म लेयर्स में अरेंज हुए दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. और इसमें पहले तीन फाइलम्स आते हैं. सर आप जल्दी से बताओ पहले तीन फाइलम्स का क्या नाम है. फर्स्ट फाइलम कौन सा है. हाँ पॉरिफेरा सिलिंड्रिकल क्लिनोफोरम. बिल्कुल ठीक है पॉरिफेरा सिलिंड्रिकल क्लिनोफोरम. और उसके बाद सेकेंड आ जाते हैं कैन बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. दैट इज फॉर्म्ड बाय थ्री जर्म लेयर्स. कौन सी तीन जर्म लेयर्स है. दैट इज एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. बताओ जरा एग्जाम्पल्स बताओ.
तीनों पूरा के बाद क्या आ जाता है? हाँ जी सोरावर जल्दी से, प्लेटी हेलमेंथस। चलो एक मैं बता देती हूँ, प्लेटी हेलमेंथस, उसके बाद एस्केलमेंथस। हाँ जी नेक्स्ट एनिलिडा, एस्केलमेंथस एनिलिडा, एनिलिडा फिर आर्थ्रोपोड। वेरी गुड, नेक्स्ट मोलस्का। मोलस्का नेक्स्ट, उसके बाद अकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब क्या है? मतलब प्लेटी हेलमेंथस अप टू फाइलम कॉर्डेटा क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जबकि पोरिफरा सीलेंट्रेटा एंड टीलोफोरा दे आर डिप्लोब्लास्टिक। राइट, लिखो पहले। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सिलोम। व्हाट इज सिलोम? बॉडी कैविटी। अगर आप अपनी देखें, सबसे बाहर है बॉडी वॉल, बीच में है डाइजेस्टिव ट्रैक, उसके बाद है हमारी बॉडी कैविटी। डाइजेस्टिव ट्रैक एंड बॉडी वॉल के बीच में जहां पे लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, बाकी सब चीजें प्रेजेंट। सो व्हाट इज बॉडी कैविटी? द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक। मैंने एक छोटा सा रफ सा बनाया, दिस इज ये बॉडी कैविटी है, बट बॉडी कैविटी कैसी होनी चाहिए? विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। इट इज ए कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल, लिख लो साथ साथ, सिलोम इज ए बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट या एंड द एलिमेंट्री कैनाल एंड इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। ये है गट एलिमेंट्री कैनाल, ये है बॉडी वॉल, ये जो रेड वाली है दिस इज मेसोडर्म और ये जो कैविटी है दिस इज सिलोम। ठीक है, थोड़ी सी और मैं सिंप्लीफाइड वे में कर दू कि ये बॉडी वॉल, ये गट एंड the space between gut and body wall which is lined by mesoderm on both the sides is called as cilium. अगर हम इसको काटते हैं तो इसका अगर हम transverse section लेते हैं तो हमें कैसे दिखेगा? सबसे बाहर ये बॉडी वॉल, इसके बाहर ये अंदर हमें एक सर्कल नजर आएगा, दिस इज गट जीयूटी एलिमेंट्री के नाम। इसके बाद हमें क्या नजर आएगा? यहां भी और यहां भी, ये क्या है? दिस इज मेसोडर्म। और ये क्या है?
this is Sino. And this is true Sino. Or you Sino. दूसरी आ जाती है बेटा, अगर हम इसी तरह से देखें, ये बॉडी वॉल, ये गट और मेसोडर्म आ तो गई बट कोई बॉडी कैविटी नहीं है. दिस इज ऑल मेसोडर्म. But there is no body cavity. आपने पूरा बना लिया. This is whole mesoderm. So these are acinomates. ये है gut, body wall. This is whole mesoderm. No cavity. Acinomates. फिर एक और आया बॉडी वॉल. दिस इज गट बट सिलोम इज प्रेजेंट इन पाउचेस. सॉरी मेसोडर्म. मेसोडर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है. इट इज प्रेजेंट in the form of pouches. So the siloam, the cavity is present, but it is not lined by mesoderm. This is, इसको हम क्या बोल देते हैं? Pseudo siloam. ये है मेसोडर्म. ये है गट. दिस इज बॉडी. सो बेस्ड ऑन द सिलोम, पहले लिख लो, बेस्ड ऑन सिलोम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एसिनोमेट, स्यूडोसिनोमेट्स एंड यूसिनोमेट्स. ठीक है, मैं अभी बताती हूँ. सिलोम है क्या है? बॉडी कैविटी between digestive system and body wall and is lined by mesoderm on both sides. It is called as siloam. पहले ये लिखो, फिर मैं इनकी definitions भी आपको लिखा. चलो बेटा लिख लो. A silomates when the space between gut and body wall, the space between gut and body wall is occupied by mesoderm. Is occupied by mesoderm. There is no body cavity. There is no body cavity. Example है platyhelminthes. Platyhelminthes. सेकेंड आ जाते हैं स्यूडो सिलोम.
ब्रैकेट में लिख लो फॉल्स सिलो स्यूडो सिलो द बॉडी कैविटी विच इज नॉट लाइंड बाय मीसोजा द बॉडी कैविटी विच इज नॉट लाइंड बाय मीसोजा As the mesoderm is present as small pouches. As the mesoderm is present as small pouches. Example hai. Escalmentis. Escalmentis. Uske baad eucilomates. The animals with true silo. You silomates ke andar likh lo. The animals having true silo. In which body cavity is present and is lined by mesoderm. In which body cavity is present and is lined by mesoderm. Example hai. Phylum Annelida up to phylum Chordate. Phylum Annelida up to phylum Chordate. So this is all about the general features of kingdom Annelida.